المعیز اور یہاں العزیز
का भी वही माना, लॉरेंस का भी वही माना, दोनों के एक ही माना, वो है इज्जत देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है वही इज्जत देने वाली और वही जिल्लत देने वाली। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो हदीस कुदसी है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा, यानी कुछ मैं चाहता हूँ और कुछ बंदा चाहता है, कुछ मैं चाहता हूँ कुछ बंदा चाहता है, अगर बंदा वो करे जो मैं चाहता हूँ तो जो वो चाहता है उसके लिए मैं काफी हूँ, उसके लिए मैं काफी हूँ, लेकिन अगर बंदा वो ना करे जो मैं चाहता हूँ तो फिर जो वो चाहता है उसको हासिल करने में बंदा थक जाएगा, लेकिन होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ। तो बहरहाल एक जो माना है इज्जत देने वाला, तो अल्लाह ही के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए। और ये तमाम इज्जत है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है है। तो अब अगर किसी बंदे को इज्जत चाहिए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करे। जो बंदा इताअत में जितना ज्यादा आगे होगा अल्लाह उसे इज्जत में उतना ज्यादा आगे बढ़ाएगा, उसकी इज्जत उतनी ज्यादा हो जाएगी जितना वो इताअत ज्यादा करता जाएगा। और आप देखें कि सबसे ज्यादा इज्जत और मकाम और मर्तबा अंबिया इकराम का है, क्योंकि अंबिया और मुरसलीन ये अल्लाह के सबसे ज्यादा इताअत गुजार होते हैं, फरमाबरदार होते हैं। तो जब वो जितनी ज्यादा उनकी इताअत होती है अल्लाह उन्हें उतना आला मकाम अता फरमाता है, उतनी ज्यादा उनकी इज्जत होती है। और फिर उसके बाद अंबिया और मुरसलीन के बाद फिर औलिया इकराम का जिक्र है, सिद्दीकीन है, शहदा है, सालेहीन है, ये सारे हैं उनकी इताअत के मुताबिक उनका मकाम और मर्तबा। तो जो बंदा इस इताअत और फरमाबरदारी में जितना ज्यादा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे इतनी ही ज्यादा इज्जतें अता फरमाएगा। तो अगर दुनिया और आखिरत में अगर किसी को इज्जत चाहिए तो फिर उसे चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत दोनों जहान में इज्जतें अता फरमाएगा और उसके दुश्मनों पर भी उसे ग़लबा अता फरमाएगा। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी जो है वो फरमाते हैं कि तमाम इज्जतें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं और ये तमाम इज्जतें उसके दीन की इताअत में हैं, तुम उसके दीन पर जितना ज्यादा चलोगे उतनी ज्यादा तुम्हें इज्जत और एहतराम मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने, यानी अल्लाह के रसूल ने तीन चीजें बयान फरमाई, उनमें से एक ये सरकार फरमाते हैं कि माल सदका करने से कभी कम नहीं होता, माल सदका करने से कभी कम नहीं होता। दूसरा ये कि जो बंदा माफ कर देता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है, यानी आप दूसरों को माफ करें अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। और तीसरा ये कि जो अल्लाह के सामने जितना ज्यादा तवासो आजिज़ी इंकिसारी करता है अल्लाह ताला उसे उतना ही बुलंद फरमा देता है, यानी रब के सामने जितना ज्यादा बंदा झुक जाता है अल्लाह उसे उतना ज्यादा बुलंद फरमा देता है। तो ये तीन चीजें, एक तो ये कि सदका करने से माल कम नहीं होता, दूसरी बात जो दूसरी दो बातें हैं वो इस टॉपिक से ताल्लुक रखती हैं, एक ये कि दूसरों को माफ कर दो अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता फरमाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, लोगों के दिलों में भी आपकी आपकी कद्र आपका इज्जत वक़ार बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि जितना ज्यादा अल्लाह के सामने बंदा आजिज़ी इंकिसारी और तवासो से पेश आएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना ही ज्यादा बुलंद व बाला फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल असीसों का जो वसीफा है वो ये कि फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच में, सुन्नत और फर्ज के बीच में 41 मरतबा जो बंदा भी या असीसों पढ़ता है, 41 मरतबा या असीसों का विर्द करता है अल्लाह उससे मोहताजी को दूर फरमा देता है, उसकी तंदस्ती को मोहताजी को दूर फरमा देता है। और फिर वो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के आगे उसे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, अल्लाह तबारक व तआला खैर से उसके लिए इंतजाम फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक समझ अता फरमाए।